महिला पहलवानों के साथ जिस तरह की अनदेखी हो रही है, यह अनदेखी भारतीय महिला की अस्मिता के खिलाफ भूषण जी के सामने में पूरी भारत सरकार झुकी हुई ऐसा दिख रही है। आखिर कौन ऐसी चीज है जिसकी ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? जो पुलिस पदाधिकारी उनके घर में जाके दूसरे लोगों से पूछताछ करी, तो उन ब्रजभूषण जी को बुला करके पूछताछ करने में क्या दिक्कत है? पूरी भारत सरकार लिपापोती करने में लगी हुई है। महिला पहलवानों की जो भी मांग है, उन मांगों के समर्थन में जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जन अधिकार पार्टी धरना पर बैठी रहे। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार सबसे पहला कुटराघात करती है तो देश की आम जनता के साथ, देश के किसान के साथ, देश के नौजवान के साथ। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। महिला पहलवानों के समर्थन में जाप पार्टी बिहार में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल बैठ गई है। मेरी मौजूदगी अभी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे है, जहां पर तमाम जाप के नेता कार्यकर्ता बैठ गए हैं। रघुवेंद्र कुशवाहा हैं जाप के प्रदेश अध्यक्ष, जुड़े की बात कर रहे हैं। रघुवेंद्र जी, प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? महिला पहलवानों के साथ जिस तरह की अनदेखी हो रही है, यह अनदेखी भारतीय महिला की अस्मिता के खिलाफ और ब्रजभूषण जी के सामने में पूरी भारत सरकार झुकी हुई ऐसा दिख रही है। आखिर कौन ऐसी चीज है जिसकी ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? उनके घर के लोगों से पूछताछ तो हो रही है, उनके नौकर से पूछताछ हो रही है, ड्राइवर से हो रही है, उनके पीएस हो रही है, उनसे पूछताछ करने में सीबीआई या पदाधिकारियों को क्या दिक्कत हो रही है? जो पुलिस पदाधिकारी उनके घर में जाके दूसरे लोगों से पूछताछ करी, तो उन ब्रजभूषण जी को बुला करके पूछताछ करने में क्या दिक्कत है? पूरी भारत सरकार लिपापोती करने में लगी हुई है। महिला पहलवानों की जो भी मांग है, उन मांगों के समर्थन में जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जन अधिकार पार्टी धरना पर बैठी रहे। भाई अगला वक्त तक क्यों नहीं बुला रहे? प्रदर्शन कर रहे हैं महिला पहलवानों के समर्थन में, क्या कुछ कहिए? यह देश की सरकार, जब हमसे पूछ रहे हैं तो ये देश की सरकार किसके खिलाफ नहीं काम कर रही है? 14 में जब ये सरकार आई, अपने घोषणा पत्र को मैं उनको याद दिला देता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी की घोषणा पत्र है, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार सबसे पहला कुटराघात करती है तो देश की आम जनता के साथ, देश के किसान के साथ, देश के नौजवान के साथ, देश के व्यापारी के साथ, देश के बेरोजगार युवाओं के साथ। अब आधी आबादी जिसके बलबूते सरकार आई थी प्रचार की प्रोपगंडा करके, तो ये प्रचार वाली सरकार सबसे पहले कुटराधिकार करती है तो आधी आबादी हमारी बेटियों पर, हमारी माँ बहनों पर। आज देश की वो महिला पहलवान जो मेडल दिला करके आई, देश का सम्मान ऊंचा की, देश के प्रधानमंत्री को भी ताली बजाना पड़ा, देश के तमाम नेताओं को खुश किया, लेकिन आज वो सड़कों पर है, वो कौन ब्रजभूषण सिंह है? क्या कौन सी राज छुपी है? यही राज बता दीजिए और ब्रजभूषण सिंह को बचा दीजिए। पप्पू जी, कहां तक विरोध जाएगा ये आप लोग? हम लोग पूरे बिहार प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाएंगे। पहले चरण में आज पटना में धरना है, उसके बाद हम तमाम जिलों में धरना देंगे और राजभवन भी मार्च करेंगे कि अविलंब ब्रज किशोर को, भूषण को गिरफ्तार हो। उसके बाद उस पर जो कहूँगा, पोस्टों पर जो एक्ट है इसमें है कि अविलंब गिरफ्तारी। दो दो महीने से मेहरी बहने दिल्ली की सड़कों पर बैठी हुई है और
रत्ती भर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये क्यों क्यों सरकार चूड़ी पहन के बैठी हुई है? हम लोग महिलाओं के सम्मान में सड़कों पर उतरेंगे। महिलाओं के साथ प्रताड़ना किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है महिला पहलवानों की, बीते दिनों तस्वीर निकली है। यही तो है, एक तरफ महिला पहलवानों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है, उसी महिला पहलवान जब मेडल लेके आई थी तो ये प्रधानमंत्री उनको स्वागत करने गए थे, आज उसी पहलवान को सड़कों पर घसीटा जा रहा है और जो जिसको गिरफ्तार करना चाहिए उसको साइल्यूट के साथ नए संसद भवन में अपना नुमाइश कर रहे हैं। इसी की मांग है कि अविलंब उस पर गिरफ्तारी हो, नहीं तो पूरे बिहार में हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए पूरे बिहार में जाप पार्टी आंदोलन करेगी, अगर महिला पहलवानों की मांग पूरी नहीं होती है तो देखिए जाप के तमाम जो नेता है वो बैठ गए हैं, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कुछ देर बाद यहाँ पर आके बैठेंगे, तो वही धरना आज एक दिवसीय है। लगातार महिला पहलवानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन जारी है, जो महिला पहलवानों की मांग है इसको लेकर जाप पार्टी बिहार में बैठ गई है, वही लगातार विरोध कर रही है केंद्र सरकार का। क्या कुछ कह रहे तमाम जाप के नेता, आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।